जिला बटाला की तरफ से दो नौजवानों को करीब 23,000 नशीले कैप्सूल समेत गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की तरफ से इन नौजवानों से करीब 3,90,000 रुपये बरामद किए हैं, जो कैप्सूल बेचकर आमदन हुई थी। ये नौजवान इस नशे के गोरखधंधा को पिछले कई सालों से कर रहे थे और वे उत्तर प्रदेश से ये नशे के कैप्सूल लाकर बेचते थे। वहीं पुलिस की तरफ से केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला बटाला की तरफ से दो नौजवान अज सू सीक्रेट इनफोरमेस मिली है। एक जगजीत सिंह सन ऑफ सतपाल सिंह जट रेजिडेंट ऑफ कुलिया नियर बटाला बंगर थाना सेखवा जोड़ा अजक उजागर नगर बटाला च किराए का घर लैके रह रहा अपने परिवार के नाल समेत सिकंदर सन ऑफ सुरिंदरपाल वासी गांधी कम बटाला दोनों ही काफ़ी मात्रा के नशीले कैप्सूल प्रोक्सीफोन वगैरह लैके आ रहे हैं जोड़े शहर से लोगों को वंडन गए या बेचनगे। वो खुफिया इनफोरमेसन के आधार पर ही नाकाबंदी करके रेड किए थे। इन्हों दोनों जनों राउंडअप किया जिन्हें पोजैशन के करीब 23,000 के आस पास 23,300 के आस पास नशीले कैप्सूल प्रोक्सीबोन ट्रोमोडोल तो स्पासमो प्रोक्सीबोन जोड़े रिकवर हो। इस तो अलावा इन्हों की जी इन्हे को करंसी रिकवर हुई है जी ये कहने के मुताबिक मैं ये कैप्सूल बेच के जी आद जिनी मिलगी मैंने वो भी लाया वो करीब 3,90,000 रुपया आया जी ये को करंसी रिकवर हुई है कैश जोड़ा रिकवर होया। ये खिलाफ़ अं NDPS एक्ट तहत FIR दर्ज कर रहे हैं तो यदि अरैसट पा के फरदर मोर जी इंटरोगेशन अजे जारी है। जी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये कह रहा है कि मेरे मैं अपना दीपक मेडिकल हाल है रुड़की तो लिया के अगे इतने लोकल आस पास के एरिया लोगों को सप्लाई करना रुड़की यूपी तो मोटी जी इन्वेस्टिगेशन तो यह दो ही जने सामने आया अजे साढ़े को तड़के मानजो कोर्ट च पेश करा रिमांड लैके होर फरदर मोर ये को इन्वेस्टिगेट कर। हाँ ये जरूर होगा भी ये कॉन्टैक्ट नशेड़ी किस्म के लोग जरूर होंगे जो ड्रग अडिक्ट जरूर होंगे वो ये तो लिस्ट जी प्रोक्योर करते हैं ता कि जे कोई ड्रग अडिक्ट जे इन्हों चुंगल च फसया ही तो उन्होंने किसी ड्रग डिडिक्शन सेंटर च दाखिल करवाया जा सके। जे कोई ये फरदर यदा कोई सब डीलर या सबलैट कोई कम कर रहा तो फिर वो भी अरैसट पैके कोई रिकवरी होगी तो फिर वो खिलाफ़।